राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला चिन्हट थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात शुक्रवार को 12 डकैतों ने बिजली ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में कर्मचारी को असले के दम पर बंधक बना लिया और करीब 80 लाख की डकैती कर डाली। बता दें कि डकैतों के हौसले इतने बुलंद थे कि घनी आबादी होने के बावजूद उन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम दिया और बड़े ही इत्मीनान से लाखों का माल ट्रक पर लादकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में अभी तक चिन्हट पुलिस की ओर से कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इस घटना को लेकर जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी ने पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई है। दरअसल बड़ी डकैती के बाद पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार रात थाना चिन्हट के देवा रोड स्थित अपट्रॉन पुलिस चौकी के पास बालाजी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के मालिक संजय अग्रवाल ने इस मामले में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि उनकी फैक्ट्री के गोदाम में यह घटना हुई है। फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर के एक कॉइल बनाए जाते हैं जो कॉपर के होते हैं। फैक्ट्री में करीब 810 व्यक्ति आए थे, जिन्होंने यहां फैक्ट्री में मौजूद 6 कर्मचारियों को बंधक बना लिया और करीब 70 से 80 लाख रुपए का कॉपर कॉइल उठाकर ले गए। उसके अलावा करीब 11,000 रुपए कैश भी लूट लिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। यहाँ पे सर 7-8 लोग मेरे कमरे में आए, मैं लेटा हुआ था, अचानक से कंबल मेरा उठाया और इतने बड़े बड़े रॉड लिए थे सरिया के, वो उठाए भी सिर्फ इतना ही बोले कि चुपचाप रहना नहीं तो यहीं पे मार दूंगा। और उसके बाद मेरे दोनों पैर बांध दिए, ये पीछे ऐसे करके हाथ बांध दिए, ठीक है। इसके बाद बोले कि और कौन आदमी है यहाँ पे, तो मेरा सर यहाँ पे 5-6 लोग ही है, ज़्यादा है नहीं। तो वो दो फिर इसके बाद मुझे ऑफिस में लेकर आए। ऑफिस में मेरे दादा दोनों पहले से वहाँ पे इनके हाथ पैर बंधे हुए थे, वहाँ पे 5-10 मिनट हम लोग रुके। इसके बाद वो बोले कि सबको सालों को एक ही कमरे में बंद कर दो, जहाँ पे मैं वहाँ लेटा था। तो मुझे वहाँ ले गए तीनों लोगों को। इसके बाद तीन लोग वहाँ पे जो थे अलग कमरे पे, उनको लेकर आए सबको, वहाँ सबको बांध दिया वैसे ही सबके हाथ पैर, और रजाए कंबल वम्बल सबके ऊपर डाल दिए, बोले चुपचाप बैठे रहना, जो ज़्यादा बोलेगा तो यहीं पर मार देंगे। और इसके बाद एक आदमी उनका सर अंदर ही बैठा रहा, फिर लाइट बंद कर दी है। और इसके बाद फिर गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी है, गाड़ी आई है। इसके बाद अंदर क्या सामान हमारा तार आर जो लोड किया है, साइकिल थी, एक गैस सिलेंडर खाली था वो है, पैसे थे हमारे उनके जो वर्कर हैं काम करने के 17,000 रुपये, और जो है उनका बिस्तर इस्तर जिस पे चौथी दादा हमारे लेटे थे उसका बिस्तर भी सब लेके गए वो लोग गाड़ी से। इसके करीब 25-30 मिनट हम लोग इतने डरे हुए थे, जब गेट को मतलब खोला तो बाहर से कुंडी हम लोगों की लगा के तो मुंह पे सब बना हुआ था। करीब 20 मिनट बाद हम लोग थोड़ा सा उठे कि पहले दीवार तोड़ने की कोशिश करी, तो वो नहीं टूटा, फिर पेचकस से वो काटा गेट का हिस्सा, उससे गेट कुंडी खोली, फिर अपने मालिक को फ़ोन किया। इसके बाद 100 नंबर फ़ोन करके वहाँ शिकायत दर्ज करी, फिर पुलिस वाले आए, भैया लोग सब लोग। कितने लोग आए होंगे? जितने लोग सर मेरे कमरे में 6 से लगभग 7 आदमी थे। अब इतनी दहशत में आदमी तो गिनती कर नहीं पाया, लेकिन 7 आदमी से कम नहीं थे मेरे कमरे। हमारे पास गए तुरंत, हमको जो है बिस्तर पर जगह उठे, हमका क्या बात है भाई, तो चुप रहो नहीं तो तब तक हमारे यहाँ जो है कुछ लगाया। उसके बाद फिर हमको उठाया और ले गया और हमारा हाथ पैर और बांध दिया, बांध करके जो है हमको वही छोड़ दिया। कितने लोग थे? 4 लोग थे जब हमको पकड़े थे। अच्छा, और आप लोग कितने लोग थे? हम अकेले थे। और टोटल वो लोग कितने लोग थे? 4 लोग को अंदर है? 4 तो हमने 4 को देखा था, बाकी आगे हमने नहीं देखा। आगे हम लोग को फिर उसके बाद और बात के ले जाके उधर कमरे में सबको एक ही साथ बंद कर दिए। 6 लोगों को? हाँ। फिर क्या क्या ले गए यहाँ से? यहाँ सामान सब ले गए जो है। क्या क्या? सब पावर जाओ का सामान रखा था, कापर का पूरा सामान ले गए। कितनी देर रहे वो सब लुटेरे? वो लोग जवाब जो है कम से कम हमें आगे 1.5-2 घंटे। थाना चिन्हट की चौकी अपट्रॉन में 26-27 जनवरी की रात में ये घटना हुई है, जिसके क्रम में यहाँ फैक्ट्री मालिक बालाजी ट्रांसफार्मर्स के फैक्ट्री मालिक संजय अग्रवाल ने तहरीर दी है थाने पर। उन्होंने बताया है कि उनकी फैक्ट्री जहाँ पे ट्रांसफार्मर के कॉइल बदले जाते हैं, यहाँ पर रात्रि में 8 से 10 व्यक्ति यहाँ फैक्ट्री के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पर जो काम करने वाले उनके 6 कर्मचारी हैं उनको बंधक बनाया। और उसके बाद फैक्ट्री में जो कॉपर की कॉइल थी जो लगभग 6500 किलो थी, उसको ले करके चले गए हैं।
उनकी सही के आधार पे थाना चिन्हट को 395 क्या अभी पंजीकृत कर लिया गया है। यहाँ आकर प्रथम दृष्टया जैसा जानकारी की गई है तो ये पता चला कि यहाँ पर 6 लोग काम करते थे जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। इन्होंने एक बार में 4 से 6 आदमी देखे हैं जिन्होंने इन सबको बंधक बनाया और उनके पास सरिया जैसी कोई चीज़ थी, असलहे जैसी कोई बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हम लोग आसपास के सभी कैमराज को देख रहे हैं और यहाँ पर वीडियोस भी लिया गया है। हमारी सरनाज टीम ने और हमारे CCTV देखने वाली टीम ने इस तरीके से कुल 5 टीम हमने गठित की है जो इस पूरे घटनाक्रम पर की जानकारी कर रही है। शीघ्र ही इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी अभियुक्त हैं उनको जेल में